जी कृपा से आपके पावन धाम में भगवान की कथा को सुनते हुए नौवा दिवस आप पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और भगवान की कृपा से धीरे धीरे ये जो कथा है वो ब्रह्म की तरफ जा रही है। तो आज कथा का अंतिम दिवस आप पहुंचा है जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और भगवान की कृपा से धीरे धीरे ये कथा जो है वो ब्रह्म की तरफ जा रही है। दया भैया बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। कल आपने सुना कि किस प्रकार से परीक्षित जी कंस का वध किया भगवान ने, फिर कंस का वध करने के बाद में भगवान जो है वो मथुरा में ही रह गए, लौट करके वृंदावन में नहीं गए। और जब भगवान वृंदावन से चले थे तो भगवान ने गोपियों से, यशोदा से, बाबा नंद से क्या कहा था कि मैं परसों पक्का वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान मथुरा में गए, कंस का वध किया, कंस का वध करने के बाद महाराज भगवान ने अपने नाना उग्रसेन और अपने मैया बाबा देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया। फिर भगवान जो है वो मथुरा में ही रह गए, लौट करके महाराज वृंदावन में नहीं गए। और जब भगवान लौट करके वृंदावन में नहीं गए तो वृंदावन के हाल जो थे वो बेहाल हो गए। गोपियां भगवान का इंतजार ही करती रहती है कि हमारे प्रभु कब आएंगे। मैया यशोदा चौखट पकड़ करके बैठी रहती है, कन्हैया मेरा जरूर आएगा, अगर मेरे लाला ने कहा है कि मैं परसों आऊंगा तो मेरा लाला बेशक जरूर लौट करके आएगा जो कुछ भी हो जाए। मैया की बूढ़ी आंखों से आंसू निकल निकल करके मैया की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, बाबा भी रोते रहते। एक समय वृंदावन का वो था जब चारों तरफ खुशी खुशी छाई रहती थी, एक समय वृंदावन का वो था जब चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी, और आज वृंदावन का हाल ऐसा है कि चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया, चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया, नदियों ने पानी छोड़ दिया। जिधर देखो उधर ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में कुछ है ही नहीं, याद रखना। और एक प्रमाण तो ये मिलता है कि आप वृंदावन में जाओ परीक्षित जी, तो वृंदावन में जाकर वृंदावन में आपको और शुद्धता मिलेगी वहाँ, लेकिन आपको वहाँ का पानी बहुत खारा मिलता है। मिलता है कि नहीं, गए हो कभी? गए हो? वहाँ का पानी बड़ा ही खारा मिलता है। तो प्रमाण ये मिलता है कि भगवान की याद में गोपियाँ इतना रोई थी कि उनके आंसुओं के कारण यमुना का और वृंदावन का पानी खारा हो गया। अच्छा, एक आस इंसान को जीवित बनाए रखती है, याद रखना, एक आस इंसान को जिंदा बनाए रखती है। वृंदावन वालों के मरने में कोई कसर नहीं थी, लेकिन एक आस कन्हैया की, क्योंकि कन्हैया जब गए थे तो वो ये कहकर के गए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, बस भाई परसों वाली आस गोपियों को, यशोदा को, नंद को जीवित किए थे। परसों की बरसे होती जा रही है लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। तो जब भगवान लौट करके नहीं गए तो भगवान को एक बार याद आई वृंदावन वालों की, तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ जा करके मेरे वृंदावन वालों का हाल ले आओ। तो उद्धव जी गए और जा करके उद्धव जी ने देखा कि जिधर देखो उधर गम छाया हुआ है, जिधर देखो उधर दुख छाया हुआ है, गोपियां रो रही हैं, उदास बैठी हैं, मैया बाबा का हाल बेहाल है, बड़ी परेशान सारे वृंदावन वासी। उद्धव जी गए गोपियों के पास में, तो उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के गए थे, उद्धव जी सोच रहे थे कि गोपियों को हम अपने ज्ञान से हरा देंगे, लेकिन प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं होता, याद रखना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान भी हार जाता है। तो उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर के गए और उद्धव जी ने गोपियों से कहा जाकर
के क्यों बावरी वही हो कन्हैया के जैसे, पता नहीं तुम्हें कितने मिल जाएंगे। अरे वो छलिया था चला गया, जाने दो, क्यों मरी जा रही हो उसके पीछे, जाने दो उसको, बहुत से मिल जाएंगे, चाहे किसी से प्रेम कर लेना। गोपियां बोली अच्छा तो तुम हमें जवाबन आए हो कि हम कन्हैया को छोड़ के कहा और उसे प्रेम कर ले। उधर तुम्हें नहीं पता मेरे पास एक ही मन था, हजार मन नहीं है, जो एक को छोड़ के फिर किसी और को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को, तो मेरे पास एक ही मन है, सौ मन नहीं है। कन्हैया को छोड़ करके कहीं और मन लगा ले। उधो मन न भय दस बीस, एक हतो सो गौ श्याम संग, एक हतो सो गौ श्याम संग, एक ही मन हतो सो कन्हैया ले गए। अब दस बीस मन नहीं है, दस बीस को दे दे। और आज के जमाने में तो सिस्टम यही चल रहा है, परीक्षा एक बती आ रहा है, जब तक मन लगा तब तक लगाया, दूसरे से मन भर गया, तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे से मन भर गया, चौथे को पकड़ लिया, चौथे से भर गया, पांचवे को पकड़ लिया, दुनिया यही तक चल रही है, यही दुनिया का सार है आज के संसार में। हम आपको सही बता रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में लोग प्रेम की परिभाषा जानते ही नहीं है कि प्रेम होता है क्या है। आज के जमाने में तो बस ये कहते हैं हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, अब तुम हमारे लिए मर के दिखा दो तभी तुम हमसे प्यार करते हो। तो आज की दुनिया बस यही तक की है। बोली गोविंद भगवान की। उदो जी अपना ज्ञान लेकर के गए तो गोपियों ने प्रेम के द्वारा उदो जी को हरा दिया। उदो जी समझ गए कि गोपियां कन्हैया को छोड़ करके किसी और से प्रेम नहीं करेंगी। उसी समय भगवान के पास में उदो जी आए और भगवान से आकर के कहा उदो जी ने, प्रभु आपके बिना वास्तव में वृंदावन सुना सुना है। एक समय वो जो मैया भोजन कराने के बाद में भोजन करती थी, और आज वो आंगन में कोई ऐसा नहीं है जो मैया की गोद में कोई बैठ सके। वो यशोदा, वो बाबा नंद जो कभी आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, वो मैया जब आप कहीं चले जाते थे तो मैया व्याकुल हो जाती थी कि मेरा कन्हैया कहाँ गया। और आज वही मैया बाबा चौकट पकड़ के खड़े और टकटकी लगा करके देख रही हैं कि मेरा कन्हैया इस रास्ते से गया तो इसी रास्ते से वापस लौट के आएगा। तो सभी बड़े परेशान हैं। उद्धव जी ने कहा जाकर के भगवान से, तो ये माला पहना करके पीतांबर डाल करके क्या बोलो पे सम्मानित करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, रक्षा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। बोलीबाग के बिहारी लाल भगवान जो है वो मथुरा में ही। फिर उसके बाद भगवान का युद्ध चला जरासंध से। जरासंध जो है अपने दामाद यानी कंस का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, लेकिन 17 बार जरासंध भगवान से हारता रहा। भगवान ने सोचा कि अगर जरासंध ऐसे उत्पात करता रहा तो मेरे मथुरा की प्रजा को हानि पहुंच सकती है। तो भगवान ने मथुरा वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के समुद्र के भीतर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया, तब उनका नाम पड़ा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बोली द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारका में आकर के रहे। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमें ये बताइए कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए। तो सुखदेव जी महाराज बोले रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हें बड़ी जल्दी भगवान के ब्याह हुई है, ठहरो। सबसे बड़े कौन थे भगवान के भाई, कौन थे? का भगवान के एक और भाई थे, वसुदेव, बलदेव। बलदेव किसके अवतारी थे? बताओ परीक्षित जी। अब हम तो रोज बताते ही, तो हमने रोज बताई, आपको याद है ना? अब शेषावतारी कौन थे?
किसके अवतारी थे? शेषावतारी। और मैं पता परीक्षा जी, अभी तुमने तुम्हें हमने बताया था, ये घंटा बाद तुम फिर भूल जाए। शेषावतारी बलराम जी। तो सर्वप्रथम बड़े को ब्याह होत के छोटे को परीक्षा जी बताओ, बड़े को ब्याह होत के छोटे को, छोटे को बड़े को कहा कहा दो तुम दोनों को फट्टो कर दो बड़े को। तो सबसे बड़े ये बलराम जी, तो सबसे पहले हुए हुआ बलराम जी का विवाह। बलराम जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? रेवती के साथ। किसके साथ? रेवती के साथ, जो अश्वत नगरी के राजा थे जिनका नाम था रेवतक, रेवतक की कन्या थी जिनका नाम था रेवती। रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी द्वारका में बड़े आनंद से रेवती के साथ में अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। अब बारी आई भगवान कन्हैया के विवाह। अब बारी आई भगवान कन्हैया के विवाह की। और भगवान ने परीक्षित जी विवाह एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने किए थे? 16108। भगवान ने 16108 विवाह किए। अब भगवान ने कैसे विवाह किए, किस प्रकार से विवाह किए, ये कथा सुनिए। सर्वप्रथम भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी के साथ। किसके साथ? रुक्मणी के साथ। ये रुक्मणी कौन थी? ये रुक्मणी जो थी राजा भीष्मक की बेटी थी। किसकी? राजा भीष्मक की। और राजा भीष्मक कहाँ के रहने वाले थे? कुंदनपुर नगरी के। द्वापर युग में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे लेकिन कोई कन्या नहीं थी। भीष्मक के घर में कन्या का जन्म हुआ और जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई। बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, बाबा देवर्षि नारद को बुलाया। बुला करके उस कन्या की हस्तरेखा दिखवा करके भीष्मक ने नारद जी से पूछा, बाबा जी बोले हाँ, मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका विवाह किसके साथ में होगा और आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। जो ये बात कही तो नारद जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी कन्या को। तो आज मैं ये शुद्धमती उस कन्या को लेकर के आई हूँ। और नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देख करके नारद जी बोले, भीष्मक बोले हाँ तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। कैसे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। हम तुम्हें बताएं, नारद जी जैसे ही बोले हैं भीष्मक से, सुनो भीष्मक, अरे सुनो नारद की बात, मुनि ने हाथ हस्तरेखा लिया, ए सुनो नारद की बात, मुनि ने हाथ हस्तरेखा लिया, मुनि किसके साथ में होगा, बड़ी होकर के क्या करेगी, तो सुनो Oh,
रुकबड़ी। क्या नाम रखा? रुकबड़ी। और इसका विवाह किसके साथ में होगा? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ। और सुनो, कह दिया तुम्हारे